आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल, मेरे यानी विनीता के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। 19 नवंबर 2023 रविवार को वर्ल्ड कप का महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होना है। यह फाइनल मुकाबला है। इसे लेकर विष्णु नगरी के गया जी के चंद चौरा अखाड़े में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता मनीष पंकज ने अपने समर्थकों के साथ चंद चौराहा अखाड़े में हवन कार्यक्रम किया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन की गई। मौके पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा, टीम इंडिया की जीत को लेकर हम लोग आज हवन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड कप के मैच में फॉर्म में दिखी है, आज हम उम्मीद करते हैं आज भी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में टीम इंडिया ही जीतेगी। उन्होंने कहा, जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी फॉर्म में दिख रहे हैं, इससे लगातार टीम इंडिया अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से फॉर्म में दिख रही है। पूरी उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया ही 2023 वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीते। इस हवन पूजन के कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के अलावा राणा रणजीत सिंह, कुंदन सिंह, हीरा यादव, बबलू सिंह, सुनील बबैया, महेश यादव, दीपक पांडे, राजेश प्रसाद, संतोष ठाकुर, बबलू गुप्ता, राजीव कुमार सिंह, रवि कुमार, विजय प्रसाद समेत मनीष पंकज के कई समर्थक मौजूद थे। हम लोग जो वर्ल्ड कप चल रहा है, आज फाइनल है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके लिए हम लोग इंडिया के जीतने के लिए हवन पूजन किए हैं कि आज पूरे देवी माँ की हम लोग प्रार्थना किए हैं। या देवी माँ, हम लोग को भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती है, सोने की चिड़िया रहे और पूरे देश, पूरे विश्व पर आज वर्ल्ड कप जीत के यहाँ के विजेता लोग यहाँ लाए भारत में। हम लोग यही से मनोकामना है कि आज भारत का वर्ल्ड कप भारत में आए। हम लोग विशेष पूजा जतन किए, हवन भी किए हैं कि आज विश्व कप भारत में आए, भारत का गौरव बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री सरस्वती प्रधानमंत्री जी का गर्व से सीना चौड़ा हो। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, अहमदाबाद में मैच देखने जाएंगे, इसके लिए हम लोग पूरे देशवासियों को बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है। मैं मनीष, डॉक्टर मनीष पंकज, उप डॉक्टर मनीष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, गया जी, बिहार। रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।